हेलो एवरीवन। तो आज हम बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करने वाले हैं। इसकी अप्रोच आप देखोगे तो आपको सही लगेगी। वो अप्रोच तो काफी सारे एग्जाम्स में भी आया हुआ है, तो आप अप्रोच देखिए। मुझे समझाने में 5 से 6 मिनट लग सकते हैं, लेकिन समझाने में तो देखो टीचर को आराम आराम से समझाना पड़ता है हर एक स्टेप, लेकिन आप जब सीख जाओगे तो विद इन 30 सेकेंड इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो एग्जाम में। क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए ट्रेडर मार्कअप हिज गुड्स बाय 50%। 50% मार्कअप का मतलब क्या है, पहले ये चीज क्लियर होनी चाहिए। 50% मार्कअप का मतलब 50% होता है 1/2। अगर सीपी 2 रुपए है तो 1 रुपए मार्कअप के पास एमपी जो होगा मार्क प्राइस होगा वो 3 रुपए होगा। एक रेशियो है, एक्चुअल तो कुछ भी लिया जा सकता है। 3 की वैल्यू मैं 30 रुपए ले लूं, या एग्जाम में दी भी हो सकती है एक्चुअल वैल्यूज। ठीक है, एक रेशियो आई है सीपी रेशियो एमपी आफ्टर 50% मार्कअप। अब पढ़िए क्वेश्चन को। हाउएवर He could sell only 1/3 of his stock. जो भी स्टॉक था उस स्टॉक को मैं जानबूझ के 3 यूनिट मान लेता हूँ। रीजन क्या है उस 3 यूनिट मानने का, क्योंकि पहली कंडीशन में इस 3 यूनिट का 1/3 ही उसने बेचा है, ओनली 1/3 ऑफ इस स्टॉक। तो 3 यूनिट का 1/3 कितना हुआ, 1 यूनिट हुआ। ठीक है, तो रह कितना गया, अगर 3 यूनिट में से 1/3 बेचेगा तो रह जाएगा 1 यूनिट। बेचेगा 3 यूनिट का 1/3 तो 1 यूनिट ही होता है, 1 यूनिट बेचेगा तो 2 यूनिट रह जाएगा। ये अब उस 2 यूनिट का भी आधा आधा करके दिया हुआ है, तो इस 2 यूनिट का आधा यहाँ पे भी 1 यूनिट आएगा और बचा खुचा यहाँ पे भी 1 यूनिट आएगा। ठीक है, बोलो यहां तक आया समझ, क्योंकि आगे ही कंडीशन यही दे रखी है। ओके, अब मैं क्या करता हूं, अब मार्क प्राइस कुछ मर्जी मान लो आप। मैं एक काम करूं, ये जो 1 1 यूनिट आए हैं इन सब के मार्क प्राइस मैं 3 रुपए ही मान लूं, इस 1 यूनिट का मार्क प्राइस 3 रुपए मान लिया, इसका भी मार्क प्राइस 3 रुपए हुआ। ऐसे हर एक यूनिट का मार्क प्राइस जानबूझ के मान लो, क्यों, क्योंकि हर एक यूनिट पे डिस्काउंट भी दिया हुआ है फिर उसने बाद में, और एक एक यूनिट बराबर ही है ना, तो हर एक का बराबर ही होगा मार्क प्राइस। टोटल मार्क प्राइस 9 रुपए है, हमें टोटल मार्क प्राइस से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, अगर मार्क प्राइस 3 रुपए है तो उस केस में कॉस्ट प्राइस क्या है, 2 रुपए। रेशियो तो निकली हुई है हमारी, कॉस्ट प्राइस 2 रुपए है 1 यूनिट का, तो ऐसे 3 यूनिट का कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, हाँ टोटल कॉस्ट प्राइस हर एक का 2 रुपए है। अगर मार्क प्राइस 3 है तो हर एक का कॉस्ट प्राइस 2 है, 2 2 2, तो टोटल कॉस्ट प्राइस आपके पास 2 3 6 रुपए आ गया। अब बात करते हैं टोटल सेलिंग प्राइस की। इसकी बात करनी है अब हमें टोटल सेलिंग प्राइस, क्योंकि प्रॉफिट तो तभी निकल पाएगा ना। उसने इन दी एंड क्या पूछा, फाइंड ओवरऑल अप्रोक्सीमेट परसेंटेज प्रॉफिट। तो हम अब ये देखेंगे ना उस भाई ने बेचा किस हिसाब से, अब निकालना है हमें टोटल एसपी। तो पहला यूनिट जो पहला 1/3 है तो उसने मार्क प्राइस पे ही बेचा, तो पहला यूनिट 3 रुपए में ही बिकेगा। दूसरे यूनिट पे क्या हुआ, हाफ ऑफ द रिमेनिंग स्टॉक जो बच गया उसका आधा, 2 यूनिट बच गया था उसका आधा 1 यूनिट, उसका मार्क प्राइस है 3 रुपए। वो 3 रुपए में ना बेच के ना उस पे कुछ डिस्काउंट दिया है 7.14%। अब मेरी जो प्लेलिस्ट में 1/22 to 1/30 अगर आप याद करोगे, तो याद होना चाहिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, 7.14% 1/14 होता है। किसी चीज पे 1/14 का डिस्काउंट का मतलब जो मार्क प्राइस का 13/14 रह जाएगा तो आपका सेलिंग प्राइस आएगा। मार्क प्राइस पे 1/14 का डिस्काउंट का मतलब मार्क प्राइस का 13/14 करने से सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। इस 3 का आपको 13/14 करना पड़ेगा, ये सेलिंग प्राइस आ गया। और जो लास्ट 1 यूनिट है उसका भी मार्क प्राइस 3 है, लेकिन डिस्काउंट दिया आपने 16.66%, यानी कि 1/6 का। 1/6 का डिस्काउंट का मतलब 5/6 रह जाएगा सेलिंग प्राइस। अब मैं थोड़ा सा रचा के लिख लेता हूँ इस चीज को, ताकि क्लियरली, रचा के मतलब मेरी लैंग्वेज में है, क्लियरली लिख लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। यहाँ पे टोटल सीपी बेटा 6 रुपये है। अगर मैं सीपी रेशियो एसपी निकाल लूं तो प्रॉफिट पता लग जाएगा, 2 2 2 6। अच्छा, यहाँ पे 3 रुपए यहाँ पे है, 3 रुपए यहाँ पे है, 3 रुपए यहाँ पे है, तो 3 कॉमन ले लो, थोड़ा कैलकुलेशन आसान करना है। तो अगर मैंने 3 कॉमन लिया अंदर रह गया बेटा 1 + 13/14 + 5/6, और मैंने 3 2 6 भी काट दिया। अब सीपी रेशियो एमपी आने वाला है आपके पास कहाँ लिख, अब 3 2 6 आपने कॉमन तो काट दिया, अब रेशियो लेते हैं आगे। यहाँ पे 14 और 6 का बेटा एलसीएम क्या आएगा, जल्दी बताओ, 42 आएगा। तो यहाँ पे 42, यहाँ पे 39 और 6 7 42, यहाँ पे 35। नजर आ रहा है ना सबको, या साइड में करूँ अब कहीं, तो
ये रेशियो है ना, ये 42 ऊपर चला जाएगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ तो सीपी 42 दुनी 84, जो टोटल एसपी है बेटा वो कितना आएगा, 42, 39 और 35 को बेटा ऐड करो, तो 42 प्लस 39 प्लस 35, 40, 70, 300, 9, 5, 14, 16, 116। तो सीपी रेशियो एसपी 84 रेशियो 116 आया, यानी कि आपका 32 रुपए का प्रॉफिट हो गया। हाँ जी, इस पे हुआ 84 पे इंटू 100%, इसको सॉल्व करो, 4 8 32 21, 8 बटे 21, 800 बटे 21, लगभग 38 आएगा, या आप यूं भी सोच सकते हो कैलकुलेशन में, अगर 8 बटे 20 होता है यहाँ 21 की जगह, तो 20 पंजे 100, 40% आता, अगर 8 बटे 20 होता तो 40% आता, लेकिन 8 बटे 21 डिनोमिनेटर थोड़ा सा ज्यादा है, तो वैल्यू सॉल्व करके 40 से थोड़ी सी कम आएगी, तो लगभग 38% आएगा, 800 बटे 21 वैसे भी सॉल्व कर लो तो 38%, 38% इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप आपको ये अप्रोच समझ आई होगी, बहुत अच्छी अप्रोच है, आप भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है जी, कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाए करना था। ओके, बाय बाय, थैंक यू फॉर सेंडिंग योर डाउट्स।